हाय फ्रेंड्स, आई एम मनप्रीत। आज हम ट्राइसेप और शोल्डर का वर्कआउट करेंगे। इससे पहले हम डायमंड पुशअप करेंगे। डायमंड पुशअप के सेट रहेंगे 3 और रैप्स रहेंगे 12 से 15 के बीच में। इसके बाद हम ट्राइसेप की एक्सरसाइज करेंगे, ट्राइसेप किक बैक। इसके 3 सेट और 12 से 15 के बीच में इसके रैप्स रहेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी वन आर्म ओवरहैंड ट्राइसेप एक्सटेंशन। इसके 3 सेट 12 से 15 के बीच में इसके रैप्स रहेंगे। दोनों हाथों से सेम इसके सेट रखने हैं। अब हमारी थर्ड एक्सरसाइज है बोथ आर्म ओवरहैंड ट्राइसेप एक्सटेंशन। इसके 3 सेट 12 से 15 के बीच में इसके रैप्स रहेंगे। अब इसके बाद हम करेंगे शोल्डर का वर्कआउट। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए कर लीजिए बेल आइकन को ऑन। शोल्डर की फर्स्ट एक्सरसाइज है साइड रेज। इसके 3 सेट 12 से 15 के बीच में इसके रैप्स रहेंगे। अगर आपकी एक्सरसाइज की जो फॉर्म है वो एकदम करेक्ट है तो आपका शोल्डर जल्द ही पंप हो जाएगा। इसके बाद हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है शोल्डर की वन आर्म फ्रंट रेज। इसके 3 सेट 12 से 15 के बीच में इसके रैप्स रहेंगे। फिर आती है हमारी थर्ड एक्सरसाइज। इसके 3 सेट 12 से 15 के बीच में इसके रैप्स रहेंगे। इस एक्सरसाइज में अपर चेस्ट और फ्रंट डेल्टॉइड पे इसके इफेक्ट पड़ेगा। अब फोर्थ एक्सरसाइज हमारी बोथ आर्म फ्रंट रेज। इसके 3 सेट 12 से 15 के बीच में इसके रैप्स रहेंगे। फिर इसके बाद आती है फिफ्थ एक्सरसाइज हमारी नीट प्रेस। जैसे डंबल प्रेस होती है इसमें नीट प्रेस कर रहे हैं हम। इसके भी 3 सेट 12 से 15 के बीच में इसके रैप्स रहेंगे। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी स्ट्रक्स। इसके 3 सेट 12 से 15 के बीच में इसके रैप्स रहेंगे। लास्ट में वीडियो के एंड में जाते जाते एक और एक्सरसाइज करते जाइए वीडियो शेयर करने का। वीडियो शेयर व्हाट्सएप और फेसबुक आदि ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य दोस्तों का भी फायदा हो। थैंक यू।